एक टेम्पल है शिकारी माता का टेम्पल ना। तो ये आ गई अपनी मैगी, मैगी खाएंगे यहाँ पे। है अंदर का भाई जो मंदिर है ना, ये माहौल है। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में, आज के नए ब्लॉग में। अभी अपने घर से कम 70-80 किलोमीटर दूर हूँ और कहीं एक टेम्पल में जा रहा हूँ। पिछले कल वाले ब्लॉग में हमने देखा था कि हम गेहूं का काम करते, पूरा का पूरा काम हमने खत्म कर लिया गेहूं का। गेहूं के काम के दौरान भाई हमने जो मतलब आग सही है, जो धूप सही है ना, उसको पूरा मतलब उसका पूरा ना बदला लेने के लिए हम जा रहे हैं ठंडे पहाड़ों में। और एक टेम्पल है शिकारी माता का टेम्पल ना, शिकारी माता नाम की एक जगह है, टेम्पल है। और माता का जो टेम्पल है ना, वहाँ पे जो मतलब पूजा करते हैं देवी की, वो शिकारी माता कहते हैं उसको। तो वही हम जा रहे हैं, मेरे साथ यादविंदर भाई हैं, यादव भाई हैं, जो मेरे फ्रेंड है पंजाब से आए हुए हैं। और अभी यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ, और इसी वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे उस टेम्पल तक पहुँच सकते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया जगह है, और इसी और पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा मैं कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं शिकारी माता तक। वीडियो लास्ट तक देखनी है, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे ना तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपको एक बार व्यू दिखाते हैं यहाँ से भाई, कैसा व्यू है। तो अपने साथ हैं यादव भाई, यादव मेरे फ्रेंड है पंजाब से हैं, हम मतलब साथ में ही पढ़े हैं। तो इस बाइक पे जा रहे हैं हम, उस वाली तरफ से आए हम, ये रोड है उस तरफ को। और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं भाई, क्या मतलब क्या व्यू है। ये नीचे यहाँ पे नदी बह रही है, और ये यहाँ पे लोगों के घर वगैरह है, मतलब छोटा सा एक वो है गाँव जैसे है। और यहाँ पे ये खेत वगैरह हैं, ये सारे खेतों में टमाटर बीजे हुए हैं लोगों ने, और बांस के डंडे मतलब उसके लिए गाड़े हुए हैं वो, मतलब ताकि उनको सहारा मिल जाए टमाटरों के जो पौधे होते हैं उनको। और ये इस तरह का व्यू यहाँ पे भाई, क्या बात है, मतलब ना क्या बात है। और इस वाले ये ना जैसे जंगल वाला एरिया है ये, और ये ना पूरा मतलब ऐसे जंगल वाला एरिया है। इसमें ना काफल वगैरह फ्रूट होता है जंगल में ना, हमारे वहाँ पे भी होता है थोड़ा पहाड़ों पे, तो वो भी है कहीं पे मिलता है, तो वो आपको दिखाएंगे और खाएंगे भी, थोड़ा सा बड़ा मन कर रहा है खाने का। बाकी अब निकलेंगे यहाँ से। और तो भाई अभी ना हमने एक ब्रेक ली हुई है, और मैं ये माजा पी रहा हूँ, नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, ठंडा पीता नहीं हूँ मैं। और यह तो भाई लस्सी पी रहे हैं, ब्रिटानिया की लस्सी है। और ये हमने ये बिस्किट लिया था, तो बस अभी ये खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। लस्सी तो लस्सी है। हम आधे रास्ते में भाई, और 8-10 किलोमीटर और है सफर। ये भाई यहाँ पे ये व्यू है, और काफी बढ़िया जगह है भाई यहाँ पे ना, ठंडा ठंडा मौसम है, भीड़ है, बट इस आज संडे है और भीड़ काफी ज्यादा है इस वाले एरिया में। तो रोड बड़ा खराब है पर यहाँ पे ना, ये पूरा टूटा टूटा सा, टूटा नहीं मतलब यहाँ तो पत्थर से डाले हुए हैं पूरा, और ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता है ऊपर वाली तरफ को। यहाँ पे हमने बाइक लगाई है, बैग यहाँ पे रखा है, वहाँ पे रखा हुआ है। और देखो यहाँ से गाड़ियाँ मतलब इस तरह से जा रही हैं ऊपर वाली तरफ को। और ये इस तरह के पेड़ हैं यहाँ पे पूरे, मतलब वो हैं देवदार के पेड़ हैं इस तरफ को। अभी हम ना टेम्पल के मतलब जा रहे हैं टेम्पल की तरफ, और अब यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे हम रुके हैं मैगी खाने के लिए। और काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे, अभी मैगी खाएँगे वहाँ पे, मैगी खाएँगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे आगे। बट सिर्फ थोड़ा सा रोड ख़राब है, और फिर बोला पैदल ट्रैक तो है नहीं, मैंने पता किया था यहाँ से किसी भाई साहब से, बस मैगी खाएंगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे। बाकी व्यू भाई बहुत बढ़िया है, मौसम भी एक नंबर का है यहाँ पे। ये यहाँ पे ना एक शॉप है, यहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए। यहाँ का सामने का व्यू भाई, ये व्यू है देखो, इस तरह के पेड़ ही पेड़ हैं, और बादल भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े। और साथ में यहाँ पे एक नाला है निचले वाली तरफ को, साथ में एक नाला बह रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें। ये देखो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी चल रहा है इसमें, और यहाँ जाएंगे ऊपर वाली तरफ को यहाँ पे। तो ये आ गई अपनी मैगी, मैगी खाएंगे यहाँ पे हम, देखते हैं कि कैसी मैगी बनी है भाई यहाँ पे। तो भाई ये बिना मैगी वगैरह खाई हमने यहाँ पे, और मैगी काफ़ी बढ़िया लगी यहाँ पे, अरे मतलब ना व्यू वाव काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा सीधा 8 किलोमीटर है यहाँ से, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और शाम के टाइम का भी अभी रात का देखते हैं कि रात को क्या होता है, वहाँ पर रुकेंगे या क्या करेंगे। यादू भाई अभी ना रात का कोई भी डिसाइड नहीं किया हमने कि रात को हम वहाँ पे रुकेंगे या वापस आएंगे, बट वापस आने में तो लेट हो जाएंगे शायद से ना, तो फिर देखते हैं। चले यादू भाई रात में कुछ, साफ नहीं है पानी इतना,
बहुत ज्यादा खराब रोड है भाई। यह तो भाई कैसे रोड, वो देखो गाड़ी है ना, गाड़ियाँ भाई किस तरह से आ रही है। यहाँ ऊपर पर वाली तरफ को है, कुछ लोगों ने तो गाड़ियाँ यहीं पर लगा रखी हैं और हम आए ऐसे। ये सारा रोड वाला ऐसे निचली तरफ से आए हम यहाँ से नीचे, और ये व्यू यहाँ पे, वो देखो आप नीचे रोड दिख रहा है ना, वहाँ से होते हुए आए हम। और ये सारा रोड टूटा हुआ है भाई, ये सारा रोड कच्चा है ना ऐसे, मतलब देखो मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ। और एक गाड़ी गई यहाँ पे, वो मिट्टी मिट्टी हुई, देखो इनोवा जा रही है क्या निकलेगी, ये देखो यहाँ पे देखो क्या हाल है यार। बाकी सब बढ़िया भाई, रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो हमारे सीएम साहब है ना जयराम, उनका एरिया है, तो उनको चाहिए यार कि थोड़ा रोड बनवाएं, थोड़ा इसको ठीक करवाएं, क्या गंद डाला हो रहा है इन लोगों ने ऐसे। और ये एक मतलब वो है टूरिस्ट प्लेस है, काफी फेमस जगह है लोगों में। तो भाई अभी ना हम रास्ते में जा ही रहे हैं, वहाँ जो आपने चीज़ सारा कच्चा टूटा फूटा रोड देख रहे ना, उस रोड से आया हम ऐसे ऐसे, मतलब क्या रोड है यार क्या बोलूँ मैं। और अभी जा रहे हैं हम, और इतना घाटा घाटा सा रोड है ना, यहाँ पे लोग पैदल भी जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक भाई साहब डांस डूंस कर रहे हैं। और यहाँ से जा रहे हैं हम ऊपर ऐसे, और शायद से इस पहाड़ी के परले वाली तरफ को होगा टेम्पल जो होगा। तो मतलब ना आज का सफ़र तो बड़ा मुश्किल लग रहा है यार ऐसे, हालांकि दूसरा बड़ा रोड था, मुझे लगा कि उससे आते तो ज़्यादा बढ़िया था। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे भाई मंदिर के पास, मंदिर के पास का मतलब मंदिर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 10-15 मिनट लगे हैं। वहाँ सामने दिख रहा है मंदिर, वहाँ ऊपर पहाड़ी पे ये शिकारी माता का मंदिर है यहाँ पे। और बाइक हमने यहाँ पीछे और तरफ घुमाई, मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं करा, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा है, ऐसे सड़सड़ की आवाज़ आती है, फिर क्या फ़ायदा उसका। अभी ऐसे जाएंगे हम आगे करके और फिर यहाँ ऊपर मंदिर के पास पहुँचेंगे, और फिर देखते हैं रात का रहने का भी करना पड़ेगा कोई जुगाड़मेंट है। और यादव भाई जा रहे आगे, ये जा रहे यादव भाई यहाँ पे, यहाँ पे ना रेस्ट हाउस वगैरह भी है, पर पहले हम मंदिर पहुँचेंगे, वहाँ ऊपर मंदिर में पूजा पाठ करके उसके बाद फिर देखते हैं कि रेस्ट हाउस का क्या होता है। तो ये है यहाँ पे टेंपल, और ये लोग देखो यहाँ पे काफ़ी रश होता है भाई, लोग आते जाते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। रोड की हालत बहुत ख़राब है, ये देखो आप, और यादव भाई जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग तो भाई हमें वापसी में मिले, अभी टाइम क्या टाइम हो रहा है, 3:30 हो गए, 3:30 बजे का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा लोग वापस हो गए हैं और हम जा रहे हैं अभी। यादव भाई को पूछते हैं कि यादव भाई को कैसा लगा, यादव भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा, और ऊपर पहुँच गए तो और बढ़िया लगा। हाँ ये नेचर ही है तो है, हाँ जो सबसे अच्छी है और इंसान को यही सुकून दे सकती है। सही बात है, और कोई सुकून नहीं दे सकता, तो मन की शांति और आत्मा की शांति को टटोलने के लिए ऐसी जगहों पे आना जरूरी है। जरूरी है, सही बात है। ये ऐसा नहीं कि आप माथा टेकने के लिए आते हैं यहाँ पे, अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी आ सकते हैं आप। सही बात है, तो बस भाई पहुँचेंगे थोड़ी देर में और फिर देखते हैं। ये है अंदर का भाई जो मंदिर है ना, ये माहौल है। और इस मंदिर को लेके मान्यता है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वैसे तो, बट यहाँ पे जो मूर्तियाँ वगैरह ना, यहाँ पे ज़रा भी बर्फ़ नहीं पड़ता। मेरी बात मैंने कैसे आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे भाई वो है क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। बाकी मैं आपको यहाँ पे तो फुटबॉल वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, बाकी यहाँ से थोड़ा सा साइड चल के फिर बात करते हैं, बाकी एक थोड़ा राउंड करके भी आपको दिखा देते हैं। और मंदिर के बैक साइड का क्या व्यू है वो भी आपको दिखा देंगे यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अभी इस टाइम पे कोई नहीं है, नहीं तो ऐसे ब्लॉग करना मतलब आमने सामने का ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे यहाँ पे, मतलब कि हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, साउंड इतना आएगा कि क्या बताऊँ मैं। अभी मैं इसको इस वीडियो को सुनूंगा बाद में कि कैसी साउंड आ रही होनी। तो ये यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स अभी ना मंदिर जाके आए, पूजा पाठ जो भी था सब कर लिया हमने, और ये जगह मैंने ढूंढी थोड़ी सी यहाँ पे ना, यहाँ पे हवा कम है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बात कर लेते हैं। तो अभी आज का क्या है कि अभी ना टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहे हैं जी 5 बज रहे हैं अभी, तो 5 बज रहे हैं, हमने क्या सोचा कि आज हम रात यहीं रुके हैं और अगले चल जाएंगे हम कमरनाग। तो फिर अभी देखते हैं कि चाय पानी कुछ करते हैं, चाय वगैरह पियेंगे थोड़ी, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा है कि क्या बताऊँ मैं। और बस मतलब व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, और यहाँ पे रहने के लिए ना वो है धर्मशाला सराय वगैरह है, इनकी जो मंदिर कमेटी है उन्होंने सब मतलब वो किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, बाकी ढाबे वगैरह सब हैं यहाँ पे। और बाकी अब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि मतलब कैसे पहुँचेंगे, कौन सा रूट आपको यहाँ पे पहुँचा सकता है बढ़िया से अच्छे तरीके से। बाकी अभी चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद फिर से आपके बाद आपके साथ बात करेंगे। ये कुछ एक सरायें बनी हुई है, धर्मशाला बनी हुई है यहाँ पे, जो कि मंदिर कमेटी के अंडर है, और ये यहाँ पे सारे ढाबे और दुकानें हैं जो ब्लू और येलो कलर के तिरपाल वगैरह लगाए हुए हैं। सभी ना रात के बज रहे हैं 9 भाई, और पूरा हम ऐसे खाना वगैरह खा के डिनर वगैरह करके आ गए अपने रूम पे। हम यहाँ पे रुके हुए, ये रूम है जो मंदिर है ना, मंदिर कमेटी की कुछ धर्मशाला और सराय है यहाँ पे, तो हमने एक रूम लिया हुआ है यहाँ पे। तो बता देता हूँ कि आपको यहाँ अगर आना है तो आप किस तरह से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ना नेर चौक है, नेर चौक में, नेर चौक से आप आएंगे चैल चौक, और नेर चौक से चैल चौक, चैल चौक का नेर चौक और चैल चौक के बीच का डिस्टेंस होगा कितना, शायद से 14-15 किलोमीटर इतना होगा, 14 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर इतना होगा। उसके बाद फिर चैल चौक से आप पकड़ेंगे जंजहलीवाड़ा रोड, चैल चौक से जंजहलीवाड़ा रोड पकड़ेंगे, और चैल चौक से ना 4-5 किलोमीटर के राइट साइड को एक रोड कटता है देवीदड़ और शिकारी देवी के लिए। पहले आप पहुंचेंगे देवीदड़, देवीदड़ से है 8-10 किलोमीटर और शिकारी देवी के लिए। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटा हुआ है, काफ़ी बुरा हाल है। बाइक पर अगर आप बाइक पे आते हैं तो आपको अकेले आना मतलब ठीक रहेगा, और अगर नहीं तो फिर आप गाड़ी पे आओ, गाड़ी मतलब अच्छे वाली हो, थोड़ी ना बड़ी सी गाड़ी हो। बड़ी सी गाड़ी का क्या मतलब है, मतलब कि जो ऑफ रोड में मतलब अच्छे से कर पाए। तो बस इस यही बताने के लिए भाई मैं अभी ब्लॉग कर रहा था। बाकी खाना वगैरह हमने खाया तो बाहर का मैं कुछ भी नहीं अभी आपको दिखा पाया ना तो शूट कर पाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा ठंड है कि सर्दियों के टाइम पर भी इतनी ठंड हमारे गाँव में नहीं होती है। तो बस ऐसा है, और अभी हम सो जाएंगे भाई यहाँ पर, सुबह देखते हैं कि क्या होता है अगले दिन का, क्या शेड्यूल और क्या हम करेंगे।